एक समय की बात है, एक राजा था। उसके राज दरबार में एक गणितज्ञ था। इस चतुर गणितज्ञ ने शतरंज के खेल की खोज की और राजा को भेंट की। राजा काफी प्रसन्न हुआ और गणितज्ञ को एक इनाम मांगने को कहा। कोई भी चीज, राजा के लिए कुछ भी देना बड़ी बात नहीं थी। गणितज्ञ ने शतरंज की ओर देखा, जिसमें की 64 वर्ग हैं, और कुछ चावल मांगे। राजा हैरान हो गया। चावल? आखिर ये किस तरह का उपहार हुआ? यहाँ गणितज्ञ ने एक शर्त रखी, जिसके अनुसार ही उसे चावल दिए जाए। शर्त कुछ इस तरह थी: शतरंज के पहले वर्ग में एक चावल, दूसरे में दो, तीसरे में चार चावल और चौथे में आठ, और इसी तरह बढ़ते हुए जब तक कि आखिरी वर्ग तक ना पहुंच जाए। इस छोटी सी शर्त से राजा थोड़ा नाराज हो गया, पर उसने गणितज्ञ से कहा, अगर यही तुम्हारी इच्छा है तो इच्छा जरूर पूरी की जाएगी। क्या राजा उसकी यह इच्छा पूरी कर पाएगा? मैथ्स फैक्टर के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम गहराई से अध्ययन करेंगे बीजगणित की पेचीदगियों का, और ये कोई पाठ्यपुस्तक नहीं। हम आपको सुनाएंगे कहानियाँ, पहेलियाँ और आपकी जिंदगी की छोटी मोटी घटनाओं से इस विषय को आसान बनाने का प्रयास करेंगे। देखते रहिए बीजगणित का ऐसा रूप जो आपने पहले कभी नहीं देखा। चलिए वापस चलते हैं अपने राजा और उसके गणितज्ञ के पास। उसकी शर्त के अनुसार चावल बिछाने शुरू किए गए। तो इस तरह पहले दिन गणितज्ञ को एक चावल मिला, दूसरे दिन दो चावल, तीसरे दिन चार, और राजा उस चतुर गणितज्ञ की इस बेवकूफी को देखकर काफी आश्चर्यचकित हुआ। अब अगर हम इसी तरह आगे बढ़ते रहे तो छठे दिन गणितज्ञ को चावल के 32 दाने मिले, आठवें दिन उसे 128 चावल के दाने मिले, और 16वें दिन गणितज्ञ को 32,768 दाने मिले, जो कि लगभग 1 किलो चावल है। पर जल्दी ही चावलों की संख्या बढ़ दी गई और राजा बेचैन होता गया। जल्द ही राजा को एहसास हुआ कि उसे अपना वादा रद्द करना होगा। उसके पास गणितज्ञ का उपहार पूरा करने के लिए उतने चावल नहीं है। अब अगर राजा को बीज गणित का ज्ञान होता तो वो इस स्थिति में नहीं होता जहां वो है। आइए देखते हैं कि गणितज्ञ ने आखिर ये मजेदार खेल कैसे खेला। पहले वर्ग में एक, दूसरे में दो और तीसरे में दो गुणा दो, जो कि होता है चार, चौथे वर्ग में दो का घन तीन या आठ। तो इस हिसाब से 64वें वर्ग में कुल दाने होंगे दो का घन 63, यानी वाह कितनी बड़ी संख्या है। पर कहानी का अंत दुखद हुआ। न सिर्फ राजा अपना वादा नहीं रख पाया, बल्कि वह गणितज्ञ से इतना तंग आ गया कि उसका सर कलम करवा दिया गया। राजा की ही तरह हम में से कई लोग बीजगणित का महत्व नहीं समझते, है ना? ये कुछ ऐसी चीज है जिस पर हम स्कूल में काफी मेहनत करते हैं और जैसे ही असली जिंदगी में आते हैं उसे त्याग देते हैं। पर हम चाहें तो बीजगणित पर नजरिया बदलते हैं और इसे देखते हैं एक रहस्य की तरह, एक अनजाने एक्स की तलाश में। आइए इसे रखते हैं वास्तविक संदर्भ में। तनय के पास गुब्बारों का एक गुच्छा है। उसने गलती से 3 गुब्बारे उड़ा दिए और 5 उसके पास बच गए। तो आखिर तनय के पास शुरुआत में कितने गुब्बारे थे? चलिए इस संख्या को नाम देते हैं रहस्यमय एक्स। हम जानते हैं कि 3 गुब्बारे उड़ गए और 5 बाकी हैं। तो ये कुछ ऐसा रहा, एक्स बराबर 5+3 बराबर 8। तो अब हम जानते हैं कि तनय के पास 8 गुब्बारे थे। बीजगणित हमारी रोजमर्रा की जरूरतों में बहुत काम आता है, जैसे रसोई में परिमाण नापने में हो या माप परिवर्तन करने में। भौतिकी के कई बुनियादी तथ्य सिर्फ बीजगणित को इस्तेमाल करके ही समझे जा सकते हैं। आधुनिक बीजगणित गणित की लगभग हर शाखा में लागू किया जाता है।
ये गणित के लिए ऐसा है जैसे विज्ञान के लिए गणित। बीजगणित के काफी हिस्से की उत्पत्ति हुई मध्य पूर्व, खासकर पर्शिया के इलाके से, और इस कहानी का केंद्र एक गणितज्ञ है। उसका नाम है मोहम्मद इब्न मुसा अल ख्वारिज्मी। उसका जन्म 780 ईस्वी में हुआ था, ख्वारिज्म में, जो आज के समय में उज़्बेकिस्तान का एक छोटा सा कस्बा है। वो और उसका परिवार फिर बगदाद की ओर रवाना हो गया। उस समय बगदाद अब्बासी कैलिफ के संरक्षण में था। कैलिफ ने 3 पीढ़ियों तक मिलकर बगदाद में एक शानदार वैज्ञानिक संस्थान बनवाया, जिसका नाम था हाउस ऑफ विजडम। इस समय विश्व की ज्यादातर शैक्षिक गतिविधियों का केंद्र यहीं बना। अल ख्वारिज्मी की प्रतिभा को इस वातावरण में काफी निखार मिला। वे एक विद्वान थे जिन्हें बाद में हाउस ऑफ विजडम में कैलिफ के लाइब्रेरियन का पद मिला। उन्होंने 825 ईस्वी में एक प्रसिद्ध किताब लिखी जिसका नाम था हिसाब अल जब्र वाल मुकाबला। बीजगणित के लिए अंग्रेजी शब्द अलजब्रा का विकास पारसी शब्द अलजब्र से हुआ। ख्वारिज्मी की किताब ने बीजगणित की नींव रखी और अब ये एक नई शिक्षा की शाखा के रूप में उभरा। वास्तव में उन्होंने 16वीं शताब्दी में विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में इसे शामिल किया। क्योंकि इन किताबों में फुटनोट नहीं है, इनकी सूचना के स्रोत का पता लगाना मुश्किल है। हालांकि साफ तौर पर ये भारतीय और यूनानी सिद्धांतों से प्रेरित है। उनकी किताब का शीर्षक ही बीजगणित के इस्तेमाल को बताना शुरू कर देता है। आइए जानते हैं जरा करीब से। अल ख्वारिज्मी की किताब का नाम था हिसाब अल जब्र वाल मुकाबला। अरबी में जब्र बीजगणित का एक बराबरी का यंत्र है, जिसमें समीकरण को दोनों ओर से संतुलित करने के लिए उनमें कुछ ना कुछ घटाया जाता है। आइए एक इक्वेशन लेते हैं, एक्स घटा 2 बराबर 12। अब हम 2 को बाएं से दाएं की ओर ले जाएंगे और 12 में जोड़ देंगे। एक्स बराबर 12 जमा 2 बराबर 14। अगला शब्द मुकाबला, जिसका अर्थ है संतुलन या इक्वेशन की दोनों ओर की समान संख्याओं को काटने का एक तरीका। मुकाबला से हम x जमा y बराबर y जमा 7 से x बराबर 7 का परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, दोनों तरफ की समान संख्याओं y को काटकर। अंततः मुकाबला पीछे छूट गया और इस तरह के गणित को कई भाषाओं में लोग बीजगणित या अलजेब्रा कहने लगे। वास्तव में हिसाब अलजब्र वल मुकाबला शीर्षक का अनुवाद किया गया द बुक ऑफ रेस्टोरेशन एंड बैलेंसिंग के रूप में। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, पर हम जल्दी ही आएंगे इस विचित्र जगह की यात्रा करने और यूनान के कुछ जटिल मुद्दों और आकर्षक पहेलियों के साथ, तो कहीं मत जाइएगा। हम अभी वापस आते हैं मैथ्स फैक्टर में। बीजगणित की इस यात्रा में हम बात कर रहे हैं अल ख्वारिज्मी की मशहूर किताब की, जो अनुवादित है द बुक ऑफ रेस्टोरेशन एंड बैलेंसिंग के रूप में। अब यही काटने और लौटने का विचार आता है लुईस कैरल की मशहूर कृति एलिस इन वंडरलैंड में। ये उतना विचित्र नहीं है जितना शुरुआत में लग रहा है, क्योंकि लुईस कैरल, जो असल में चार्ल्स डॉक्सन थे, वे क्राइस्ट चर्च कॉलेज ऑक्सफर्ड में एक गणितज्ञ थे। आइए चलते हैं वंडरलैंड में और देखते हैं कि एलिस को आखिर क्या हुआ, और उससे भी ज्यादा जरूरी कि एलिस इन वंडरलैंड और गणित का क्या संबंध है। एलिस का सफर शुरू होता है एक खरगोश के बिल में फिसल कर गिरने से। वह एक सलाह देने वाले कैटरपिलर से मिलती है, जो एक बड़े से मशरूम के पीछे बैठा हुक्का पी रहा है। कहानी के इस पड़ाव में एलिस पहले ही अनुपात के साथ प्रयोग कर चुकी है और उसने एक द्रव्य पिया जिससे वह छोटी हो गई, और एक केक खाया जिसने उसका आकार बढ़ा दिया। कैटरपिलर ने उसे कुछ अतिरिक्त जानकारी दी। एक तरफ से तुम लंबी हो जाओगी और दूसरी तरफ तुम्हें छोटा बनाएगी। किसकी एक तरफ, किसकी दूसरी तरफ, एलिस ने सोचा। मशरूम की, कैटरपिलर ने कहा, जैसे कि उसने कैटरपिलर से पूछा हो। और अगले ही पल
वो गायब हो गया। साफ था कि एलिस जोखिम उठाने वाली एक जवान महिला थी जिसने वो मशरूम खाए। हालांकि उसने ये जान लिया कि जब भी वह एक तरफ से खाती, लंबे होने का अर्थ होता उसकी गर्दन का लंबा होना और छोटे होने का मतलब था उसके धड़ का छोटा होना। उसने ये नतीजा निकाला कि यदि उसे अपने सही अनुपात और आकार में आना है तो उसे सही तरह से दोनों तरफ से मशरूम को खाना होगा। तो आखिर इस कहानी का बीजगणित से क्या लेना देना? अब अगर हम वापस अल-ख्वारिज्मी की किताब के शीर्षक पर जाएं, उसका अनुवाद था रेस्टोरेशन एंड बैलेंसिंग। कैरल के एलिस के घटने के प्रयोग से, जिसमें उसके माप को घटाया जा रहा है ताकि वह दरवाजे से आसानी से निकल पाए और दोबारा अपने माप में वापस आने के लिए कोई ऐसी चीज जो उसे उसके असली माप में ला सके। कई गणितज्ञ मानते हैं कि कैरल का लेखन नए आधुनिक गणित की एक खोज थी जो 19वीं सदी के मध्य में उभर रहा था। खैर, बहुत हुई एलिस और उसके कारनामों की बातें। आइए वापस चलते हैं मध्य पूर्व में बीजगणित के विकास की ओर। एक ऐसा क्षेत्र जहां बीजगणित वाकई काफी उपयोगी साबित हुआ वह था इस्लामी विरासत कानून। आइए देखते हैं क्यों और कैसे। उदाहरण लेते हैं एक आदमी का जिसके दो बेटे और दो बेटियां हैं। उस आदमी का देहांत हो जाता है और वह अपनी सारी जायदाद अपने बच्चों के लिए छोड़ जाता है। उसकी बीवी का पहले ही देहांत हो चुका है। कानून के हिसाब से हर बेटे को बेटी से दोगुनी जायदाद मिलनी चाहिए, पर दोनों बेटों के पास बराबर की जायदाद हो। अब मान लीजिए कि वह आदमी 24,000 सोने के सिक्के छोड़कर गया तो उसमें सबका हिस्सा कैसे होगा? आइए बीजगणित की मदद लेते हैं। अब कानून के अनुसार यदि बेटियों को x सिक्के मिलते हैं तो बेटों को 2x सिक्के मिलेंगे। दो बेटों और दो बेटियों के साथ अब हमारे पास है 2x + 2x + x + x = 24,000। 6x = 24,000 यानी कि x = 4,000, जिसका मतलब है कि हर बेटी को 4,000 सिक्के मिलेंगे और हर बेटे को 8,000। थोड़ा पक्षपात हुआ है, पर इससे यह जरूर पता चलता है कि बीजगणित कितना महत्वपूर्ण है। हमने मध्य पूर्व का सफर तय किया ताकि अल-ख्वारिज्मी का योगदान देख सकें। आइए चलते हैं 7वीं सदी के भारत में गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त की उपलब्धियों का पता लगाने। वे एक भारतीय विद्वान थे। उनका जन्म भारत के राजस्थान में हुआ। क्योंकि वह भिल्लामाला से थे इसलिए उन्हें भिल्लामालाचार्य भी कहा जाता है। ब्रह्मगुप्त ने कई महत्वपूर्ण गणित और खगोल विज्ञान के लेख लिखे, बल्कि वह उज्जैन की खगोलीय वेधशाला के प्रमुख नियुक्त हुए। ब्रह्मगुप्त ने गणित के कई बेहद सूक्ष्म एवं जरूरी सिद्धांत दिए, जिसमें कि गणितीय गणना में शून्य और खगोलीय भविष्यवाणियों में गणित के इस्तेमाल को महत्व दिया। उन्होंने जो कार्य किए पश्चिम में उनके बारे में अगले 1,000 साल तक सोचा भी नहीं गया था। उनका बहुत सा कार्य एक अंकार कविता की शक्ल में था। उन्होंने एक बार कहा, जब सूर्य सितारों पर अपनी चमक से ग्रहण लगा देता है तो इंसान अपने ज्ञान से दूसरों की ख्याति पर ग्रहण लगा सकता है। अगर वह बीज गणित के प्रश्नों को प्रस्तावित करें और उससे भी अच्छा यदि वह उन्हें हल कर दे। ऐसा बहुत सा ज्ञान भारत से अरब की ओर प्रसारित हुआ जिसने अल-ख्वारिज्मी जैसे विद्वानों की सोच को भी प्रभावित किया। इस गणित की यात्रा से हम एक ब्रेक लेते हैं और जब हम लौटेंगे तो डायोफेंटस की पहेलियों की खोज करेंगे और बात करेंगे अलग प्रकार के समीकरण के नजरियों और वर्णनात्मकता पर, सिर्फ मैथ्स फैक्टर पर। बीजगणित की इस यात्रा पर हमने ब्रह्मगुप्त और अल-ख्वारिज्मी के सिद्धांतों पर बात की। अब चलते हैं डायोफेंटस के पास, जो कि एक प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं 3री शताब्दी के। हम डायोफेंटस की जिंदगी के बारे में काफी कम जानते हैं सिवाय उसकी उम्र के, और बाकी सब उसकी लिखी एक पहेली में जज्ब है। अजीब लगता है ना? आइए देखते हैं कि वह कौन सी पहेली है। काफी मुश्किल है ना पहेली?
आइए एक एक पंक्ति पर चिंतन करते हैं और पता लगाते हैं। उसके लिए सबसे पहले मान लेते हैं उसकी उम्र एक्स है। अब पहली पंक्ति, गॉड गेव हिम हिज बॉयहुड 1/6 ऑफ हिज लाइफ, जिसका अर्थ है कि उसकी जवानी उसकी जिंदगी के छठे भाग तक थी। 1/12 मोर एज यूथ व्हाइल विस्कर्स ग्रू राइफ, मतलब उसने अपनी दाढ़ी 12वें भाग तक और बढ़ाई। एंड देन येट 1/7 एयर मैरिज बिगन, हमें ये बताता है कि अपनी जिंदगी के 1/7 भाग के बाद उसने शादी की। इन 5 years देयर केम अ बाउंसिंग न्यू सन, अब ये तो अपने आप में ही साफ है कि 5 साल बाद उसको एक बेटा हुआ। अलास द डियर चाइल्ड ऑफ मास्टर एंड सेज, आफ्टर अटेनिंग हाफ द मेजर ऑफ हिज फादर्स लाइफ, चिल फेट टुक हिम, सॉरोफुली टेल्स अस दैट द सन लिव्ड ओनली हाफ एज लॉन्ग एज हिज फादर। आफ्टर कंसोलिंग हिज फेट बाय द साइंस ऑफ नंबर्स फॉर 4 years, he ended his life. इससे हमें ये पता चलता है कि डायोफेंटिस अपने बेटे के मरने के 4 साल बाद मर गया। हम इस सूचना से एक सवाल बना सकते हैं। और इस सब को अगर हम आसान शब्दों में इस तरह समझते रहे तो हम ये कह सकते हैं कि डायोफेंटिस 84 साल तक जिया, जबकि उसका बेटा सिर्फ 42 साल तक। आइए देखते हैं बीजगणित की एक ऐसी शाखा जो सुनने में काफी जटिल लगती है परंतु है बहुत आसान, द्विघात समीकरण। एक द्विघात समीकरण बहुत आसान होती है, जिसमें हमारे पास एक अनजानी संख्या यानी x का वर्ग यानी x स्क्वायर होता है, खाली x नहीं, लैटिन शब्द क्वाड्रेटस का अर्थ होता है वर्ग। तो एक आम द्विघात समीकरण कुछ इस तरह होगी, ax स्क्वायर जमा bx जमा c बराबर 0, जहां a शून्य नहीं है। अब इसका हल कुछ जटिल लगता है, ये इसका हल है। चलिए एक सरल उदाहरण लेते हैं और उस पर सुबोध नजरिए से काम करते हैं। एक समीकरण लेते हैं x स्क्वायर जमा 6x बराबर 27। अब इसे सुलझाने की कोशिश करते हैं। अगर x बराबर 1 हो तो 1 जमा 6 27 के बराबर नहीं है, तो 1 हल नहीं है। यदि x बराबर 2 हो तो 4 जमा 12 जो कि 27 के बराबर नहीं है, तो 2 भी हल नहीं है। हम चाहें तो ऐसे ही प्रयास कर सकते हैं, पर आइए एक दूसरी नजर से इस उदाहरण को देखते हैं। पहली संख्या को एक ऐसे वर्ग का क्षेत्रफल मानिए जिसकी एक भुजा x है, और यदि 6x आयत का क्षेत्रफल है जिसकी लंबाई और चौड़ाई 6 और x है, या फिर हम इसे 2 आयतों में भी बांट सकते हैं जिसकी लंबाई और चौड़ाई x और 3 है। अब अगर हम दोनों आयतों को जोड़ दें तो हमें मिलेगा एक वर्ग जिसका क्षेत्रफल x स्क्वायर जमा 6x है। अब समीकरण के अनुसार ये 27 के बराबर है। अब छूटे हुए कोने को देखते हैं, आपका मन नहीं करता कि इसमें एक और वर्ग डाल दिया जाए? जाइए डाल दीजिए। इस वर्ग की भुजाएं 3 और क्षेत्रफल 9 होगा। अब हमें ये दोनों तरफ जोड़ना होगा। अब दाईं तरफ एक वर्ग है जिसकी भुजाओं का माप है x जमा 3, तो हम इस समीकरण को कुछ ऐसे लिख सकते हैं, x जमा 3 होल स्क्वायर बराबर 27 जमा 9 बराबर 36। देखा, दूर हो गई ना सारी जटिलता। अब ये तो एकदम आसान है, x जमा 3 बराबर 6, जिसका अर्थ है x बराबर 3। ये हल असल में अल ख्वारिज्मी द्वारा सुझाया गया था, और इसकी खूबसूरती यह है कि ये हल किसी भी द्विघात समीकरण में इस्तेमाल हो सकता है। मैं यहां बस एक चीज जोड़ना चाहूंगा जो अल ख्वारिज्मी भूल गए थे। जब हम 36 के वर्गमूल को देखते हैं तो +6 और -6 दोनों संभावनाएं हैं। अल ख्वारिज्मी के समय में नकारात्मक संख्याओं का ज्ञान उतना प्रसिद्ध नहीं था, तो जो दूसरा हल है वह इस प्रकार है, x जमा 3 बराबर -6 यानी कि x बराबर -9, और यह बड़ी ही खूबसूरती से हमारे पहले वाले सूत्र के साथ जुड़ सकता है, और यह भी बताता है कि प्लस और माइनस का विकल्प वर्गमूल के सामने मौजूद क्यों है। अब यदि यह समीकरण थोड़े ऊंचे मूल का हो, मानो एक घनाकार समीकरण, तब क्या हो? एक घनाकार समीकरण कुछ इस तरह का होता है, ax क्यूब जमा bx स्क्वायर जमा cx जमा d बराबर 0, जहां a शून्य नहीं है,
आइए देखते हैं इस सघन उदाहरण को। 2x³ जमा 3x² जमा x जमा 1 बराबर 0। अब इसे कैसे हल किया जाए? यदि x बराबर 1 हो तो 2 जमा 3 जमा 1 जमा 1 0 के बराबर नहीं है, तो 1 हल नहीं है। अगर x बराबर 2 हो तो 16 जमा 12 जमा 2 जमा 1 ये भी 0 के बराबर नहीं है, तो 2 भी हल नहीं है। उस समय यूरोप में सार्वजनिक मंचों पर गणित की प्रतियोगिताएं आम थीं। गणितज्ञ हर प्रश्न को हल करने की पूरी कोशिश करते थे, क्योंकि विजेता को बहुमूल्य उपहार दिए जाते थे। आइए देखते हैं एक ऐसा ही मुकाबला वेनिस के गणराज्य में 16वीं सदी के दौरान निकोलो फोंटाना तार्ताग्लिया और एंटोनियो मारिया फ्योरे के बीच। फ्योरे ने अपने शिक्षक से घनाकार समीकरण हल करने का प्रशिक्षण लिया हुआ था। मजे की बात है कि कुछ दिन बाद तार्ताग्लिया ने भी घनाकार हल करने का एक नया तरीका सीख लिया। प्रतियोगिता के समय जो प्रश्न तार्ताग्लिया ने रखे वो इसी नए तरीके के थे, तो वह विजेता घोषित हुआ। हालांकि बाद में दोनों ही तरीके अर्स मैग्ना नामक किताब में छपे, जिसे जिरोलामा कार्दानो नामक एक प्रसिद्ध गणितज्ञ ने लिखा। चलिए 13 साल आगे चलते हैं। कार्दानो का एक शिष्य था जिसका नाम था लोदोविको फिरारी। फिरारी उन द्विघात समीकरणों को भी हल कर देता था जहां x का मूल जाता है। फिर फिरारी ने तार्ताग्लिया को सार्वजनिक प्रतियोगिता की चुनौती दी। तार्ताग्लिया, जो कि इस चुनौती के लिए कतई अनिच्छुक था क्योंकि फिरारी एक अनजान गणितज्ञ था, पर आखिरकार उसने ये चुनौती मंजूर कर ली। 10 अगस्त 1548 को मुकाबला हुआ। पहले ही दिन के बाद ये साफ था कि तार्ताग्लिया की दाल नहीं गलने वाली। फिरारी को साफ तौर पर घनाकार और द्विघात समीकरणों की जानकारी कहीं अधिक थी, इसलिए उसकी जीत हुई। इस सब के बाद द्विघात समीकरणों का हल कार्दानोस फॉर्मूला से होने लगा और बेचारा तार्ताग्लिया अनजान और दरिद्र मौत मरा। ये साफ है कि बीज गणित और उसका विकास एक नाटकीय सफर रहा। हमें उम्मीद है कि आपको भारतीय, अरबी और यूनानी तरीकों से प्रश्नों और गुत्थियों को हल करके हम गणित का थोड़ा बहुत जादू तो दिखा पाए। मजेदार प्रश्न और गणित के जादू को और सीखने के लिए देखते रहिए मैथ्स फैक्टर।